कैपेसिटर कहते हैं किसको है, वो डिवाइस जिसमें एनर्जी स्टोर हो। हम कहते हैं ना भाई पंखे का कैपेसिटर ख़राब हो गया, कैपेसिटेंस एबिलिटी ऑफ एनर्जी टू डू वर्क। अब एक होता है स्फेरिकल कैपेसिटर जो कि बराबर होता है सी इक्वल टू 4πε0 अपॉन इंटू आर, आर मुराद रेडियस। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी यानी कि बोले तो परमिशन। जैसे कभी आपने सोचा है कि अगर हम यहाँ एयर ना हो और ये करंट हमारे करीब हो तो क्या होगा? जी करंट हमें मार देगा। स्पेस में करंट बड़ी तेज़ी से फ्लो करता है, बहुत तेज़ी से फ्लो करता है। अगर एयर गायब हो जाए तो करंट फौरन तेज़ी से सफ़र करेगा। तो परमिटिविटी किसकी जी? परमिटिविटी फ्री स्पेस की एप्सिलॉन नॉट से ज़ाहिर होती है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होती हैं, दो अगर प्लेट हैं पैरेलल तो इनकी कैपेसिटर होती है सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ए से मुराद एरिया ऑफ प्लेट, डी से मुराद डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। तो देखो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन हम चाह रहे हैं कैपेसिटेंस बढ़ाना, तो उसके लिए हम एक मटेरियल यूज़ करते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है जी, जो किस लिए यूज़ होता है? कैपेसिटेंस बढ़ाने के। और इसको नाम देते हैं हम डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या सिर्फ इसका नाम डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट होता है? नहीं जी, इसके दो नाम होते हैं, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। जी हाँ, देखो पहले कैपेसिटेंस क्या थी? ई नॉट ए अपॉन डी। जब हमने एक इंसुलेटिंग मटेरियल जिसको हम डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, ये हो गई कैपेसिटेंस सी इक्वल टू ई नॉट ई आर ए अपॉन डी। यानी अब ये जो पुरानी कैपेसिटेंस थी इससे मल्टीप्लाई हो गई रिलेटिव परमिटिविटी से। डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट ने इसको इंक्रीज कर दिया। कितने टाइम इंक्रीज किया? जितनी इसकी वैल्यू है। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी आखिर होगी क्या? परमिटिविटी ऑफ एनी मटेरियल, ठीक है, खाली एप्सिलॉन ऑफ एप्सिलॉन से मुराद है परमिटिविटी ऑफ एनी मटेरियल, लाइक ऑयल है, गिलास है, डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या रिलेटिव परमिटिविटी की कोई और डेफिनेशन भी होती है? जी हाँ, कैपेसिटेंस ऑफ एनी मटेरियल डिवाइड बाय कैपेसिटेंस ऑफ एयर। रिलेटिव परमिटिविटी जिसका दूसरा नाम क्या है? डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी एक डेफिनेशन दी हो गई, परमिटिविटी ऑफ एनी मटेरियल डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एक और डेफिनेशन भी होती है, परमिटिविटी ऑफ एनी मटेरियल डिवाइड बाय कैपेसिटेंस ऑफ एनी मटेरियल डिवाइड बाय कैपेसिटेंस ऑफ एयर। अब इसमें न्यूमेरिकल भी आया। कैसे? जैसे कि कैपेसिटेंस ऑफ ऑयल दी हुई थी 105 पीको फैरड और कैपेसिटेंस ऑफ एयर दी थी 50 पीको फैरड और आपसे पूछी थी डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू। तो बड़ा आसान है, ये पीको पीको तो कट जाएगा, 105 को 50 से डिवाइड कर दें क्या आंसर आएगा? ये काइंडली करेक्ट लें, ये भी पीको फैरड है। हाँ पीको, पीको बोले तो 10^-12। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 2.1। ठीक है जी, और कोई कांस्टेंट नहीं होगा डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी का, क्योंकि क्या है ये रेशो। रेशो का ना कांस्टेंट होता है ना रेशो की डायमेंशन होती है।